आप यकीन नहीं करेंगे कि ये खस्ता और टेस्टी समोसे आटे से बने हैं, मैदे से नहीं। और अगर आप मेरी कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आप मैदे से नहीं बल्कि हमेशा आटे से ही समोसे बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। मैं हूँ शिल्पी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। समोसे बनाने के लिए हम सबसे पहले समोसे का आटा गूंथेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है। ये मैदा नहीं है, गेहूं का आटा है, जिससे कि हम डेली की रोटियां बनाते हैं। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, करीब आधी टीस्पून अजवाइन, हाथ से ऐसे क्रश करके डालें तो अजवाइन से डाइजेशन अच्छा रहता है, तो इसको स्किप ना करें। इसमें डाल देंगे 1/4 कप तेल। तो तेल या घी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे 2 कप आटे के लिए मैंने 1/4 कप तेल का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसको हाथों से इस तरह से मलेंगे, इससे आटा घी या तेल को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस प्रोसेस को मोवन लगाना कहते हैं। और समोसे को खस्ता बनाने के लिए ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी होता है। आप आटे और तेल को इसी तरह से 3 से 4 मिनट तक मिक्स करें। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है। और अगर आप इसको मुट्ठी में इस तरह से होल्ड करें तो ये अपना एक शेप ले पाए, ये टूट के ना गिरे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका आटा लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आटे को हमें रोटी के आटे जैसे गूंथना नहीं है, इसको बस हमें एकसार करना है। आटे को मैंने गूंथ लिया है, ये पूरी के आटे से हल्का सा सॉफ्ट और रोटी के आटे से थोड़ा सा हार्ड है। और मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं गूंथा है, बस इसको मैंने एकसार कर दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और आइए तब तक हम आलू तैयार कर लेंगे। आलू का मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल। जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग, 1 टीस्पून सौंफ या फेनल सीड्स, 1 टीस्पून जीरा या क्यूमिन, 1 टीस्पून भर के अदरक और मिर्ची का पेस्ट। इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो यहाँ करीब 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर का यूज़ कर रही हूँ मैं। इसको भी भून लेंगे थोड़ा सा। और अब हम इसमें डाल देंगे मटर। तो आज मैं फ्रोज़न मटर का यूज़ कर रही हूँ, तो इनको अलग से उबालने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप फ्रेश मटर का यूज़ करें तो एक बार उसको बॉईल कर लें फिर इसमें यूज़ करें। मटर को भी मैंने हल्का सा भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। तो यहाँ पर मेरे पास 4 बॉईल किए हुए आलू हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इनको अब हमें बहुत अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब आलू आप उबालें उसको ठंडा होने के बाद समोसे के आलू बनाएं, नहीं तो जो मिक्सचर है बहुत टेस्टी नहीं बनता है, वो बहुत स्टिकी स्टिकी सा हो जाता है। और आप इन आलूओं को हाथ से तोड़ें, इनको ग्रेट ना करें, तभी इसमें अच्छा सा टेस्ट आता है। तो इनको थोड़ी देर तक हम अच्छे से भुनने देंगे इसी तरह से। ये देखिए आलूओं को मैंने अच्छे से भुना है, आप देख सकते हैं इनका कलर हल्का सा बदल गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून खटाई पाउडर या फिर अमचूर पाउडर कहते हैं, नहीं है तो आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे काफ़ी सारा हरा धनिया और इन सबको बहुत अच्छे से हम फिर से भूनेंगे। तो यहाँ पे मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। आलूओं को मैंने 2 से 3 मिनट और भुना है। आप देखें ये बिल्कुल तैयार हैं। हम गैस को ऑफ़ कर देंगे, आलूओं को बिल्कुल ठंडा हो जाने देंगे और उसके बाद हम फटाफट समोसे बनाएंगे। आटे को रखे हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको अपने रोलिंग बोर्ड पे ट्रांसफ़र कर दूंगी और अब हम इसको इस तरह से हाथों से दबाएंगे और इसका एक लॉक तैयार कर लेंगे। इसको 8 से 9 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और अब हम एक पार्ट लेंगे और इसको हाथों से इस तरह से आप अच्छे से गोल करें, ये देखिए। तो मैं इसी तरह से सारे पेड़े तैयार कर लूँगी। ये देखिए मैंने सारी लोई तैयार कर ली है। और अब हम सिर्फ एक लेंगे और बाकी को ढक के रख देंगे। और अब हम इसको बेल लेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा ओवल शेप का बेलेंगे और अगर ये साइड्स इस तरह से टूटे तो आप इनको इस तरह से आटे को पिंच करें, ये देखिए, और फिर से बेलें। ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है और ये बहुत मोटा नहीं रखना है हमें। इसको हम बीच से इस तरह से काट लेंगे। और यहाँ पर मैंने पानी लिया है, तो इसमें मैदे का घोल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम बस पानी इसकी रिम पे अच्छे से लगा देंगे और इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है, एक के ऊपर एक रखें। और ध्यान रहे ये जो कॉर्नर है ये बहुत अच्छे से स्टिक होना चाहिए, नहीं तो तलते समय ये खुल सकता है। ये देखिए, तो इस तरह का हमें कोन तैयार करना है।
और यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, हम इसको अच्छे से समोसे के अंदर भर देंगे। तो बहुत ओवर स्टफ नहीं करना है, नहीं तो समोसे जो है तेल में जाके खुल सकते हैं। ये देखिए मैंने कर दिया है इसको अच्छे से स्टफ, और ये जो पीछे वाला पोर्शन है अब हम इस पर भी पानी लगा देंगे, और ये जो समोसे का साइड है हम हल्का सा इस तरह से फोल्ड करेंगे हाथों से, और इसको बाहर लाते हुए बंद करेंगे। ये देखिए, और एक बार हम इसको साइड से फोल्ड कर देंगे और अच्छे से इसको फिर से दबाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से हम सारे समोसे तैयार कर लेंगे और उनको ढक के रखेंगे और उसके बाद इनको फ्राई करेंगे। समोसों को फ्राई करने के लिए मैंने तेल को गर्म किया है और हम थोड़ा सा आटा इसमें डाल के देखेंगे। ये देखिए एकदम से ऊपर नहीं आ रहा है और इसमें बबल्स निकलने लगे हैं, इसका मतलब तेल जो है तैयार है। समोसों को हमें तेज़ आँच पर फ्राई नहीं करना है, तेल जो है धीमी आँच पे गर्म होना चाहिए। हम इसमें समोसे डाल देंगे, तो एक बार में बहुत सारे समोसे ना डालें, जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई हो उतने ही समोसे डालें, और तेल इतना रखें कि आपके जो समोसे हैं वो अच्छे से इसमें डूब जाए। ये देखिए गैस की फ्लेम को अभी मैंने मीडियम लो पे रखा हुआ है और अभी हम इनको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, इनको थोड़ी देर तक हम ऐसे ही सिकने देंगे। समोसों को सिकते हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है, हम इनको पलट देंगे। तो यहाँ कभी कभी आपने देखा होगा कि समोसों पर बहुत ज़्यादा बबल्स आ जाते हैं, तो उसका कारण ये होता है कि अगर जो आपने मोवन मिलाया था, मतलब जब आटे को गूंथते समय आपने उसमें तेल डाला था, अगर मोवन जो है आटे में बहुत अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो कभी कभी समोसे में सेकते समय बबल्स आ जाते हैं। और उसका एक और कारण हो सकता है, अगर आटा बहुत लूज़ होगा आपका तो भी बबल्स आते हैं समोसे में। ये देखिए हमारे समोसे जो हैं एकदम क्रिस्प हो चुके हैं, बस अब हमें इनको हल्का सा कलर देना है। तो मैंने इस टाइम आँच को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है, मतलब मीडियम हाई फ्लेम पर लगा दिया है, और बस इनको अब हल्का सा कलर देंगे। ये देखिए समोसे बिल्कुल सिक्के तैयार हैं, इन पे देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। हम गैस को ऑफ कर देंगे और ये समोसे निकाल लेंगे, और ध्यान रखिएगा दूसरी बार समोसे डालने के पहले गैस की आंच फिर से बहुत धीमी होनी चाहिए, मतलब तेल जो है बहुत हल्का गर्म होना चाहिए, नहीं तो समोसे ठीक से नहीं सिकेंगे। तो आप मेरी कुछ ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करके ये समोसे ज़रूर बनाइएगा, और विश्वास करिए फिर आप मैदे से नहीं बल्कि हमेशा आटे से ही समोसे बनाएंगे। तो ट्राई करें और फीडबैक में हमें बताएं कि आपको ये कैसे लगे। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।